बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म के कुरैशी कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए गाय का गोश्त। ये मेरा आधा किलो गोश्त है जिसको मैंने चॉपर में बिल्कुल ही पीस लिया, मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया इसको इस तरीके से। और इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूँ हैं। ये सबसे पहले ये मैंने 1 टेबल स्पून सफेद जीरा लिया है और ये दालचीनी का 1 पीस ले लिया। इस तरीके से 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ले ली है, ये साबित काली मिर्च हैगी। और ये मैंने 1 पिपली का पीस ले लिया, ये देखें। इसी तरीके से 1 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है और 1 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया है, उसको बारीक काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके इसको मैंने बारीक काट ली है। ये 1 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको ऑमलेट स्टाइल में मैंने काट ली है। इसी तरीके से ये इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूँ है कि 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम वो पिसा हुआ धनिया लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक लिया है और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला लिया। और मैंने रबर रोटी के 2 स्लाइस ले लिए हैं। सबसे पहले हम इसको पीस के मसाला बना देंगे। तीन चार चीज़ों को पीस के मसाला बना देंगे। ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया है। अच्छा, ये मैंने इसमें इस तरीके की 2-3 हरी इलायची भी ले ली थी। ये देखिए 2-3 हरी इलायची ले थी और इसको मैंने तवे पे हल्का सा भून के इस तमाम मसाले को दालचीनी, सफ़ेद जीरा और काली मिर्च और वो जो पीपली थी और ये मैंने 3 से 4 ये मैंने हरी इलायची ली थी, इन सब तमाम मसालों को मैंने तवे पे भून के हल्का सा भून के उस तरह मैंने इसका पाउडर फॉर्म में बना लिया। ये देखें, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून से ये थोड़ा कम है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये जो मसाला मैंने भून के पीसा था वो मैं डाल दूँगी। इसी तरीके से हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, यानी चुटकी भर, मतलब ये 1/2 टेबल स्पून भी नहीं, 1/2 टेबल स्पून से कम है ये हल्दी। और पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, अगर आप नमक ज़्यादा खाते तो ज़्यादा ले सकते हैं इसमें। और ये मैंने 3 से 4 जो हरी मिर्चें बारीक काट ली थी ये वो ले ली थी, प्याज, और रबर रोटी के 2 स्लाइस। अच्छा, आप चाहे तो इसको ये मैंने तोड़ के इस तरीके से डाल दूंगी, आप चाहे तो इसको दोबारा चॉपर में चला सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाए। मैं इसी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं तमाम चीज़ें को मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इस स्टेज पे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप चाहे तो कोयले का धुआं दे सकते हैं। और इस तरह की ये मैंने स्टिक ले ली, ये जो स्ट्रॉ होती है ये मैं इस तरह की स्ट्रॉ ले ली है। अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, ये देखो, और इस तरह फिर मैं इसको बनाती जाऊंगी। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे, उस तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए हम इसको निकाल देंगे आराम से, इसको इस तरह कर देंगे। ये देखिए ये बन, बस इसी तरीके से मैं सारे बनाती करूँगी। ये देखिए मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। ये देखिए 1/2 किलो में इतने सारे कबाब बन चुके हैं 1/2 किलो कीमे में। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए एक फ्राई पैन में मैं पहले ही ऑयल गर्म करने को रख दिया था, अब मैं ये कबाब इसमें एक एक करके डालती रहूँगी। ये देखिए बस, फिर कबाब तेल जो है ना ये इतने गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो, पर जितना हमारे फ्राई पैन में है हम उतना डाल देंगे, इसके बाद फिर हम बाद में डालेंगे। ये देखिए नीचे से फ्राई हो चुके हैं, ये इस तरह मैं इसको पलटती जाऊंगी। देखिए इस तरह का कलर आ गया इसमें, ये देखिए मैंने पलट दिया है। अब ये नीचे से हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह का अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसे नीचे से भी आ जाएगा। इस अलट पलट के मैंने इस तरह पका लिया, अब ये पक जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी जब नीचे से हो जाएगा। ये देखिए नीचे से भी फ्राई हो चुके हैं, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर लिया है, ये कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर मैंने होममेड चीज़ ही मैंने वो बनाया है, इसकी मैं लेयर लगाऊंगी चीज़ सॉस की। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपको मेरी इसकी चीज़ सॉस की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
ये देखिए, बस ये देखिए मज़ेदार किस्म के कुरैशी कबाब तैयार हो चुके हैं। ये डिफरेंट टेस्ट के साथ है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।